पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, और देखो मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ मतलब भुजिया बन गई थी पानी हो जाने के बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्य व्लॉग्स। तो दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे इतने रात के टाइम व्लॉग क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो भाई इस समय अचानक से बन गया प्लान, हम जा रहे हैं गंगा जी नहान पर। और यहाँ पर मेरी बड़ी इच्छा थी गंगा जी में डुबकी लगाने की, मुझे पता है इस समय बहुत ज़्यादा हो रही होगी भीड़, और भीड़ से बच के भी रहना है, बहुत सारी चीज़ें का ध्यान भी रखना है। वेल यहाँ पर लेकिन भैया जा रहे हैं और साथ में मैंने भी डिसीज़न बना लिया है कि मैं भी जा रहा हूँ मस्त ठंडे ठंडे पानी में नहाने। तो मैं पता नहीं है, वैसे मैं जुकाम हो जाता है और हो भी रहा है, इतना भी नहीं हो रहा, पर ठीक है, घर वालों ने दे दी है परमिशन। और यहाँ पर मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, मैं इस समय अपनी शॉप पे था, शॉप को क्लोज़ करने के बाद देन मैं यहाँ से सीधा भैया के घर जाऊँगा, और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट हम बैठेंगे बस में और सीधा गंगा जी। तो भाई यहाँ पर ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ कुछ मस्ती और पानी में डुबकी लगाने वाला हूँ, क्योंकि इस समय फ़ोन जो है वाटरप्रूफ है और पानी में मिट्टी होगी, कुछ दिखेगा तो है नहीं, क्या देखोगे पानी में, मैं नकली पानी में डाल दूंगा फ़ोन को। तो भाई यहाँ चलो ठीक है, जाके देखते हैं वहाँ कैसी भीड़ होगी, क्या चीज़ कितने रेट की मिल रही होगी, सब कुछ मैं वहाँ जाके बताऊँगा। और आपको बता दूँ जिस समय ज़्यादा गैदरिंग होती है उस समय सामान ज़्यादा महंगा भी होता है, बट जैसा भी होगा मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ें बताऊँगा। चलते हैं गंगा जी ब्लॉग में। ये कौन है? अबे आ मत जाइयो कैमरे में, तुझे पता नहीं है क्या? चलते हैं भाई। गाइस फाइनली मैं भैया के घर पे आ चुका हूँ, और अब यहाँ पर भैया ने स्कूटी कर दी है मेरी खड़ी, और अब हम चलने वाले हैं, जल्दी वेट करते हैं। तो गाइस इस समय लगभग रात के 10 बजने वाले हैं, और भैया और मैं रोड के बीच में चल रहे हैं, अभी पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे शेष हैं, वहाँ पर टाइम लगेगा पहुँचने में। और भैया के घर से रोड पर आने तक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की थोड़ी ज़्यादा है। तो भाई पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद रिक्शा पकड़ के पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे, मुझे नहीं पता, बट यहाँ से हम लेने वाले हैं बस, और बस में जाएंगे। और बस का खर्चा हमारे घर से वहाँ तक का है पूरा 350 रुपये, मैं सिर्फ 400 रुपये लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हम आ चुके हैं बस स्टैंड पर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, माइक अभी लगाया नहीं, बस में बैठ के माइक लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा, हाँ जी सर वीडियो बना रहे सर भैया। इस समय मैं खड़ा हूँ मेरठ बस स्टैंड पर, और यहाँ पर लास्ट टाइम मैं आया था जब मुझे देना था यूपी पैट का एग्ज़ाम, यहाँ पर भैया इस समय गए हैं सामने वाली शॉप पर, कुछ उन्हें खाने पीने की चीज़ लेनी है। मेरा पूरा बैग इस समय कपड़ों से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी भुक्कड़, ऐसा कुछ नहीं है, घर से खा के आया हूँ पूरा पेट भर के। तो भाई यहाँ पर दुनिया भर की बसें खड़ी हैं, और इस समय हमें लेनी है जो भी गंगा जी जाती होगी वो वाली बस, एंड फिर बस में बैठ के मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। पता नहीं मेरा इस समय चेहरा आपको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल रात का टाइम है, क्योंकि 10:30 हो रही है, अभी इतना जाम था क्योंकि कल मतलब नहाना है, इस वजह से रोड पर बेतुका जाम है, बहुत बुरा जाम है भाई। और आ गए चलो फाइनली, लौंडा बड़ी अच्छी भाई स्कूटी चला रहा है, अब कहूँगी मैं दहेज में मिली दिखा लौंडे को, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ से हमें गाड़ी मिल चुकी है, अब हम कार में बैठने वाले, भैया बैठ चुके हैं, ये कुछ बताने वाला है काम की बात है। हाँ जी देखा, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बाय, हम मिलेंगे सीधा आपको बिहार, नहीं ऋषिकेश, नहीं मथुरा, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार, हरिद्वार में हम सीधे हरिद्वार जा रहे हैं गंगा जी, सोच रहा था मैं इतनी देर से, हम गंगा जी हरिद्वार ही जा रहे हैं। बैग में मैंने सेब रखा है, सेब खाऊंगा, गाड़ी का शीशा खोल लूंगा, एसी नहीं चलेगा पक्का। भाई इस समय लगभग रात के 12:30 हो रही है, और यहाँ पर हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर, और आधे घंटे का रास्ता और रह गया है। यहाँ पर भैया किसी काम से गए हैं पेट्रोल पंप के पास, और यहाँ पर मैं कुछ देर इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट करते हैं। तो भाई इस समय हम रुके हैं पेट्रोल सीएनजी पंप है, यहाँ पर सीएनजी कार की ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए सीएनजी भरवा के फिर दोबारा चलेंगे। और मैं तो सो गया था कार में, बड़ी मस्त नींद आई थी, दुनियादारी को अलग करके कार में सोना क्या मज़ा आता है भाई साहब, कोई कुछ गायब ना करते और पता नहीं, पर फिलहाल ठीक ठाक नींद आई, अब यहाँ से फिलहाल सीएनजी भरवाते फिर चलते दोबारा। गाइस फाइनली बड़ी जद्दोजहद के बाद लगभग 1:30 बज रहे हैं, और हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, यहाँ पर हम खड़े हैं इस समय बस स्टैंड पर, आए भले हम कार से हैं
और अब हम जा रहे हैं सीधा वहां पर, क्योंकि अभी यार यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा। अच्छा हुआ घर वालों ने तीन तीन कपड़े पहना दिए, और यहाँ अगर आप आओगे तो आपको बहुत बड़ी वाली ठंड का एहसास होने वाला है। एंड अब भैया आ रहे हैं, इस समय पेमेंट हो रही है, अभी मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया है बिल्कुल भी, इस समय भैया ही कर रहे हैं सारा खर्चा। अच्छा भाई साहब, यार बहुत ठंड लग रही भैया, एसी वाली भाई। यहाँ पर बस स्टैंड पे उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पर, जहाँ पर हमें नहाना वाना है। भैया भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और तो भाई पैदल चलने पर जो हर की पौड़ी का रास्ता है वो पूरे 10 मिनट का है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं पैदल में ही क्रॉस कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऑटो का किराया लगभग 100 रुपये इतना ही बता रहा था। चलो जल्दी पहुँचते हैं इधर बरार में मेरे हैं, क्या नाम है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम नेक्स्ट टाइम टिकट बुक करेंगे पहुँचने के लिए। अरे भैया यहीं जा रहे हैं, जाके देखते हैं। खुला रहा है यहाँ पर हम आ चुके हैं हरिद्वार में, और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है। और इस समय भैया ने डिसीजन किया हम यहीं नहा रहे हैं, यहीं क्या कर रहे हैं सब ये कैमरे के बीच में। तो भाई हम यहाँ पर नहा रहे हैं, और अब जल्दी से कपड़े उतारते हैं और नहाते हैं। तो यहाँ पर भाई आवाज़ थोड़ी कम आएगी, क्योंकि इस समय पाउच के अंदर फ़ोन जा चुका है, और भैया रहे हैं ना, भैया पूरे ठंड में काँप रहे हैं। ओह माय गॉड, और यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुका हूँ कुछ इस स्टाइल में। भाई ठंड इतनी कैड़ी वाली हो रही है ना, बस मैं कुछ कह नहीं सकता। और आई होप जल्दी भैया आवे, फिर हम भी जाएं, वेट करते हैं। और यहाँ पर देखो भैया नहा रहे हैं, ओह माय गॉड ठंड के मारे भैया का हाथ पूरा काँप रहा है। मैं भी जाने वाला हूँ इस पानी के अंदर, भाई बहुत ठंडा है, ये देखो कितना बड़ा है। पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, और देखो मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मतलब भुजिया बन गई थी पानी हो जाने के बाद। इस समय मतलब इतना ठंडा था भाई, इतना ठंडा था कि बस भैया ही बता सकते हैं भैया कितना ठंडा था पानी, बताओ। मैंने बहुत मग्गे गिरे मुश्किल से दो मग्गे गिरे होंगे, और ये वापसी आ गया। और मैं बताऊँ, मैं जैसे मग्गा गिर रहा था गलती से मेरे हाथ छूट गया, क्योंकि मैं चश्मा पहन के चला गया अंदर, और चश्मा पहन के जाने से क्या हुआ, वो मग्गा खो गया, उसके एक्स्ट्रा पेनल्टी हमें देनी पड़ी। पर चलो कोई बात नहीं, बट फिलहाल हम अपना वो काम पूरा कर चुके हैं। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का नज़ारा आया, मैंने तो अपने वही कपड़े पहन लिए, और ठंडी लग रही है यार ठंडे पानी में नहा के, देखा आज सुबह नहाना बचेगा मेरा। भाई बस स्टैंड से जाना था हर की पौड़ी, तो भैया ने कर ली थी रिक्शा, और अब जो है भैया जब वहाँ से हम नहा के आ चुके हैं, तो भैया ने मुझे इतना लंबा पैदल चलवा दिया, इससे हमारे बचे हैं हम पूरे 50 रुपये बचे हैं हमारे, और वहाँ से 80 रुपये मांग रहे थे, तो 80 रुपये का फ़ायदा करते हुए भैया। और यहाँ पर भैया बनिए दिखते हुए, कमाल की सेंचुरी करी भैया ने। तो भाई इस समय कैमरे का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, और बस हम कुछ मिनट के अंदर वहाँ पर बस स्टैंड के पास पहुँचने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बस स्टैंड और साथ ही साथ आपका रेलवे स्टेशन दोनों बहुत ज़्यादा पास में ही है। भैया को पैसे पा गए क्या, नहीं कपड़े गिर गए थे। चलो जल्दी पहुँचते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं हरिद्वार, क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन, जो आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। रात का टाइम है, इस वजह से कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, बट फिर भी जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, देन एंट्री कर सकते हैं। सामने वाला एंट्री पॉइंट भी है, और ये मतलब उधर से आने वालों के लिए एग्जिट पॉइंट है ना। तो यहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत शिव जी की मूर्ति है, जो बहुत ही ज़्यादा गजब है, देखो कितनी बड़ी है, मैं इसका पूरा प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये रही शिव जी की मूर्ति, क्या गजब लग रही है ना, मस्त एकदम। और ये सामने एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर आदि योगी का है, देखो मैं वो दिखाता हूँ फ्रंट से कितना अच्छा लगेगा, एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ पहले। यहाँ पर भैया ने शुरू कर दिया है मुझे आवाज़ लगाना, जबकि अभी ट्रेन का कोई भी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय लगभग 3 बज रहे होंगे, और ट्रेन अभी 5-6 बजे की होगी। बट लेकिन देखो यहाँ पर आदि योगी को इस तरीके की बैग, इसका बैग बहुत सुंदर था, लेकिन फ्रंट कुछ अलग ही था, आदि योगी से काफ़ी ज़्यादा अलग था। यहाँ पर जो है हरिद्वार का ये मतलब यहाँ पर लोग आराम भी कर रहे हैं, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अंदर जाके देखते हैं, भैया तो अंदर चले गए, ये भगवान मैं तो थक गया। अच्छा हुआ मैं
जो कार में मारे थे, मैं सो गया था बड़े आराम से, तो मेरी नींद पूरी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बैटरी चार्ज है फ़ोन की भी और मेरी भी। लगभग 3 बज रहे हैं और यहाँ पर कमाल की बात, भैया को मिल गई, भैया की आंटी, मतलब भैया को एक जानने वाले रिलेटिव मिल गए हैं और यहाँ पर भैया फ़ोन मिला के मुझे लगभग तीसरे प्लेटफॉर्म पर घुमा चुके हैं और यहाँ पर आई होप मिल गई होंगे आपकी बार। बट यहाँ पर जो है ना, सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो बिल्कुल मंदिर की तरह है, बिल्कुल अलग ही एकदम मस्त, एकदम मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इधर एरिया में काफ़ी अंदर मतलब सफाई बहुत है, औरों की तरह नहीं है, आपको मिट्टी देखने को मिलेगी नहीं। ऐसा मोस्टली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रात के 3:30 बजे इस तरीके से हम यहाँ पर घूम रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, खासकर तब जब जिस समय आपकी नींद पूरी हो और आप एकदम फ्रेश हों और घूम रहे हों। बट लेकिन यहाँ पर फ्रेश होने का कुछ मिल ही नहीं था, ढूंढ रहे हैं भैया बावड़ों की तरह, देखो कैसे इधर उधर जा रहे हैं, दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर हमने बैग रख दिए हैं भैया के रिलेटिव के पास, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, भैया का मन करा है चाय पीने का, एंड चलो भैया को जल्दी चाय पिलाते हैं और फिर दोबारा से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इस समय बैठ चुके हैं बस में, भैया गए हैं बाहर चाय, भैया तो ये रहे कहाँ, हाँ ये रहे, इस भैया जा रहे हैं चाय पीने और मैं आराम से बैठा हूँ अपने बैग के साथ, थोड़ी देर वेट करते हैं एंड देन फिर बस चलने वाली है। Can anybody out there hear me?